फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के भागों में हम सेफ्टी के विस्तृत लेसन के बारे में देख रहे थे। अब इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आप तीनों सेफ्टी का डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। उसको देखने के बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अगर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक में दिया हुआ है व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत क्या आएगा? अपने काम पर ध्यान दें, यानी कि जब हम अपने काम पर ध्यान देंगे तो यानी कि अपनी सुरक्षा हम आसानी से कर सकते हैं। पहले में दिए वो मशीन को साफ करने से तो हमारी पर्सनल सेफ्टी होगी नहीं। तीसरे में दिया हुआ गैंगवे और फर्श को साफ करना। फिर चौथे में दिया टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। ये सब किसके अंतर्गत आता है? सब मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आता है। पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत क्या आएगा? दूसरा जो दिया हुआ है कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने काम पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर दो में दिया हुआ है इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा? स्टाफ हो जाएगा, स्टाफ यानी दूसरे का ये हो जाएगा या स्टाफ है। गिवअवे का सिंबल क्या होता है? जब इस तरह का अष्टभुज आकार में एक बना होता है वह गिवअवे का सिंबल होता है। गार्डेड जो होता है एक बीच में इस तरह का पटरी का निशान बना होता है, गार्डेड। अनगार्डेड में अभी आगे अनगार्डेड आएगा, इसलिए तीसरे में ये जो त्रिभुज पूछा हुआ है यह स्टाफ का सिंबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह दूसरे का ये हो जाएगा, स्टाफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में बोल रहा है फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड फॉइल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड बाय, यानी लिक्विड की बात हो रही है। लिक्विडेबल सॉलिड यानी लिक्विडेबल किस में आता है? लिक्विडेबल बी में आता है। ए में क्या आता है? ए में सॉलिड आता है। क्लास ए में क्या क्या आता है? सॉलिड जैसे लकड़ी, कपड़ा, ठोस पदार्थों से लगने वाली आग। बी में क्या आता है? लिक्विडेबल यानी कि डीजल पेट्रोल से लगने वाली आग। सी में क्या आता है? सी में गैस फायर आता है, गैस फायर। डी में क्या आता है? मेटल फायर, मेटल यानी धातुओं से लगने वाली आग। इसमें क्या पूछा था? लिक्विड की बात हो रही थी, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरे का बी। चौथे में तत्काल जीवन रक्षक की प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल जीवन रक्षक की प्रक्रिया सबसे पहले क्या किया जाता है? फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथे का ए हो जाएगा। पाँचवे में इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताना है, यह क्या है? पाँचवा यह अनगार्डेड का सिंबल है, अनगार्डेड का। इसे भी ध्यान देंगे, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, अनगार्डेड का यह सिंबल है। पाँचवें का सी। छठवें नंबर में पूछा हुआ है लकड़ी की अग्नि कपड़े कागज आदि के कारण लगने वाली आग किस अंतर्गत आती है? यह किससे आया है? सॉलिड के अंतर्गत आती है, क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में क्या क्या आता है? सॉलिड फायर, सॉलिड जैसे कि लकड़ी, कपड़ा, ठोस से लगने वाली आग, इसे कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर का, सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर का। सातवें में देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमो क्लोरो और फ्लोरोमीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो यह क्या होता है? हैलान अग्निशामक। हैलान अग्निशामक में क्या क्या होता है? है CTC और BCF यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF किस में भरा होता है? हैलान फायर एक्सटिंग्विशर में। फोम फायर का इस्तेमाल किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है? बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए। ड्राई पाउडर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ड्राई पाउडर। सी फायर को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ में कह रहा है कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है? इसका क्या हो जाएगा? यानी कि यह पूछ रहा है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, इसका हो जाएगा अनगार्डेड मशीनरी, यानी कि जो मशीनरी अनगार्डेड है वह व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नौवा कह रहा है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकेंगे? घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को रोकने के लिए अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड, यानी कि घाव पर हम दबाव डालेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे? पट्टी कर देंगे। इसलिए नौवे का क्या हो जाएगा? नौवे का डी हो जाएगा। इस चिन्ह का नाम बताना है, इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी पैदल चलने वाला मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 11 आग लगने के तीन प्रमुख कारण क्या होते हैं? आग लगने के तीन प्रमुख कारण होते हैं फ्यूल, हीट और
ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, यानी कि ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आग लगने के तीन कारण, तो आंसर क्या होगा, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है गोल्डन आवर्स की अवधि क्या है। गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं, जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद का जो 30 मिनट होता है उसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, यानी घटने के बाद का पहला 30 मिनट जो होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहला कदम होना चाहिए सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, बाई एब्जॉर्बिंग सेफ्टी प्रिकॉशन। जब हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना नगण्य के बराबर हो जाएगी। इस प्रतीक चिन्ह का नाम बताना है, यह प्रतीक चिन्ह क्या है, अभी पीछे हम आपको बताए हैं, यह जो प्रतीक चिन्ह है रास्ता दें यानी कि गिव वे है। स्टाफ का सिंबल कैसा होता है, स्टाफ का सिंबल त्रिभुज की तरह होता है। आगे देखते हैं 15 नंबर, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है, यानी कि 15 नंबर में यह कह रहा है व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ द बिन्स फॉर द वेस्ट पेपर सिग्रेशन, यानी कि पेपर के लिए कौन सा रंग का इस्तेमाल करते हैं। पेपर के लिए हम ब्लू का, रेड किसके लिए होता है, रेड मेटल के लिए होता है, मेटल यानी धातु के लिए। ब्लैक किसके लिए होता है, ब्लैक फूड के लिए होता है। ग्रीन किसके लिए होता है, ग्लास के लिए होता है। पीला किसके लिए होता है, प्लास्टिक के लिए होता है। इसमें कागज़ की बात कर रहा है इसलिए ब्लू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 16 में इस रोड साइन का नाम बताना है, या क्या बता रहा है, इधर पेट्रोल पंप है, आगे दिल्ली है, यह इन्फॉर्मेशन दे रहा है यानी कि सूचना का चिन्ह है, इन्फॉर्मेशन साइन, ऑप्शन नंबर डी। 17वां, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, यानी कि फ्लेमेबल और रनिंग लिक्विड फायर को बुझाने के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं, हैं लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए हम फोम का इस्तेमाल करते हैं। फोम वाला किस में आता है, 20 रेडी की फायर में। हैलान एक्सटिंग्विशर के लिए हम डी का उपयोग करते हैं, हैलान में क्या क्या होता है, CTC और BCF। ड्राई पाउडर किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्लास सी फायर को बुझाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर बिजली की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए क्या दर्शाता है। ए जो दर्शाता है एयर वे दर्शाता है, ए से क्या होता है एयर वे, बी से क्या होता है ब्रीथिंग, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन, सी से सर्कुलेशन, यानी ए से एयर वे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं, कंपोस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। 19 का क्या हो जाएगा, सी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है प्लास्टिक कचरे बिन के लिए कलर कोड क्या है, प्लास्टिक कचरे बिन के लिए कलर कोड जो होता है पीला होता है, प से प्लास्टिक, प से पीला, ज जी से क्या होता है ग्रीन, यानी जी से और क्या होता है, जी से ग्लास, ग्रीन ग्लास। ब्लू किसके लिए होता है, पेपर के लिए होता है। रेड किसके लिए होता है, मेटल, मेटल माने खतरा यानी कि धातु के लिए होता है। तो इसमें क्या पूछा था, प्लास्टिक, तो क्या हो जाएगा, प से प्लास्टिक, प से पीला। आगे देखते हैं इसमें दिया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कोई दुर्घटना होती है, यानी कि दुर्घटना क्या है, बिना नियोजित की हुई घटना, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कंट्रोल न की जाने वाली घटना, बिल्कुल सही है। अवांछनीय घटना, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं, यानी दुर्घटना के बाद होने वाला खर्च क्या नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च, प्रोडक्शन में वृद्धि, यानी प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, इसका दुर्घटना से लेने देने से कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कार्य का सुरक्षित तरीका होता है, यानी कार्य करने का सुरक्षित तरीका क्या है, कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका क्या होगा, उसको सुरक्षित तरीका होगा, तो तीसरे का ए हो जाएगा। चौथा कह रहा है दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है, दुर्घटना से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है जाब मशीन कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, यानी कि जब हम सेफ्टी प्रिकॉशन का पालन करेंगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए चौथे का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 5वें में कह रहा है किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए,
उसको तुरंत सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी सहायता प्रदान करेंगे, उसकी हेल्प करिए सबसे पहले, उसको दुर्घटना के बारे में तो पूछेंगे नहीं, इन्हें कि बिना इलाज के रहने के लिए उन्हें छोड़ देंगे तो क्या होंगे, उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए। छठवां में कह रहा है किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ किया जाता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलीय फर्श के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग सा डस्ट एंड लकड़ी का बुरादा या रेत डालकर हम तेलीय फर्श को साफ करते हैं। आग में मिले होते हैं, यानी आग किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, आग जो होता है ईंधन ताप और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंधन ताप और ऑक्सीजन। आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपने आँखों की बचाव के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए हमें गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए, आर्क वेल्डिंग में गहरे रंग की शीशे वाली स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राइंडिंग करते समय हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, ग्राइंडिंग करते समय हमें सुरक्षित चश्मे यानी सेफ्टी गागल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कितने क्वेश्चन थे, 9। अब देखिए 10 नंबर, यदि किसी हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट होगा तो क्या होगा, हैमर निकल जाएगा और दुर्घटना हो सकती है, यानी हैमर क्या होगा, फ्लाई अवे एंड काजेज एक्सीडेंट, यानी हैमर उड़ जाएगा, यानी उड़ के चोट लग सकती है और दुर्घटना का कारण बन सकती है अगर ढीला है। तो बचाने के लिए श्वास को कितने समय के लिए देने की आवश्यकता होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, जब तक कि उसकी छाती उठने ना लग जाए, जब तक कि उसकी छाती उठने ना लग जाए तब तक हमें क्या करना है उसे बचाने के लिए श्वास को कितने समय के लिए देने की आवश्यकता होती है जब तक कि उसकी छाती उठने ना लग जाए, यानी कि ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 में कह रहा जले हुए पर बिल्कुल क्या नहीं लगाना चाहिए, जले हुए पर बिल्कुल हमें क्या नहीं लगाना है, जले हुए पर हमें कभी भी कोका के बीज के रस से बना मक्खन नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। यह भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरामद जले हुए पर बिल्कुल नहीं लगाना है कोके के बीज से के रस से बना हुआ मक्खन। अब आगे के लिए हम दूसरे लेसन की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा यह जितना भी एमसीयू की क्यू क्वेश्चन था, अब लगभग 32 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बार बार इन्हीं प्रश्नों में से पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक करें।